2/3 of our body is made up of water. So the proper functions of body organs, adequate amount of water is important. But क्या आपको पता है गलत क्वांटिटी में गलत तरह से कंज्यूम किया हुआ वाटर आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल माइग्रेन, ज्वाइंट पेन, हार्ट किडनी इश्यूज, इनडाइजेशन, स्किन एलर्जीज, हेयर फॉल, लिथार्जी एंड सो ऑन. सो सही क्वांटिटी में सही तरह से वाटर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल डजंट रियली नो हाउ टू ड्रिंक वाटर इन अ राइट वे. तो दोस्तों आज मैं इस टॉपिक को कवर करने वाली 5 रीजंस दैट यू आर ड्रिंकिंग वाटर इन अ रॉन्ग वे एंड हाउ टू फिक्स इट. मैं हूं अंजलि एंड आप सबका स्वागत है ग्रैंड हेल्दी में. ग्रैंड हेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. रीजन नंबर 5, डू यू ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर द मील? इफ यस देन यू शुड इमीडिएटली स्टॉप इट. आई नो के खाने के जस्ट बाद पानी पीना बहुत सेटिस्फाइंग हो सकता है बट इट एक्चुअली अ वेरी बैड आइडिया फॉर अवर सिस्टम. जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है फॉर बेटर डाइजेशन. बट इमीडिएटली पानी पीने से गैस्ट्रिक जूसेस जो कि डाइजेशन हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं वो इमीडिएटली डाइल्यूट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता एंड सिस्टम में वो खाना पड़ा रहता है, सड़ता रहता है बहुत दिनों तक जिसकी वजह से इनडाइजेशन एंड ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इस तरह के इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं. फोर्थ रीजन, पानी को बहुत फास्ट गल्प करना, बहुत माइंडलेसली पीना. जैसे कि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम खाना भी बहुत माइंडलेस खा रहे हैं एंड साथ में पानी भी उसी तरह से ही पी रहे हैं तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है. आपको बिलीव नहीं होगा बट जिस तरह से हमारी बॉडी में पानी एंटर करता, मतलब जिस तरह से पानी बॉडी में एंटर कर रहा उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. इनफैक्ट आप अगर ज्यादा भी क्वांटिटी में बहुत जल्दी जल्दी पानी पी रहे हो तो आपका जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इमीडिएटली वो बाहर भी फ्लश आउट कर देता है थ्रू यूरिन. आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा. तो पानी को धीरे धीरे सिप करके पीना एक्चुअली इज द राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा स्टोमक है वो एसिडिक इन नेचर होता है एंड जो हमारी सलाइवा होती है वो एल्कलाइन इन नेचर होती है. तो सलाइवा का काम ही होता है स्टोमक में जो एसिडिटी है एसिड है उसको बैलेंस करना. तो अगर आप जल्दी जल्दी पानी पी रहे हो तो सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही एंड वो ऐसे ही पानी बिना एसिडिक हुए अच्छे से ना मिक्स होने की हो पाने की वजह से वो डायरेक्ट आपके पेट में चला जाता है. तो इसलिए जितना ज्यादा स्लो पानी पियोगे आपकी सलाइवा उतनी ही ज्यादा अच्छे से उसमें वाटर में मिक्स होगी एंड देन वो आपके पेट में जाएगा एंड एसिडिटी को कम करेगा. कई बार आपने सुना होगा कि किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी का इश्यू होता है एंड समटाइम्स मैंने अपने क्लाइंट से भी सुना है कि बहुत एसिडिटी का इश्यू है बट पानी भी हेल्प नहीं कर रहा, वो उसका रीजन ये भी हो सकता है. एंड यू नो व्हाट, इस तरह से गल्प करके पानी पीने से आपके बॉडी वेट में भी फर्क पड़ सकता है. आई मीन आपका वेट भी बढ़ सकता है बिकॉज बॉडी इज एक्चुअली नॉट एबल टू रिमूव द टॉक्सिन. सो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है अगर इस तरह की मिस्टेक आप कर रहे हो तो वहीं पे आप रुको एंड आपको पहले सिप सिप करके पानी पीना चाहिए. आप सिपर भी यूज कर सकते हो एंड छोटे छोटे मुंह वाला बर्तन आपको यूज करना चाहिए, ग्लास में आराम से बैठ के आपको पानी पीना चाहिए. थर्ड रीजन इज ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर एक्चुअली हमारे ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है जो कि एक रेस्ट्रिक्शन बैरियर का काम करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में. अगर आप बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर के शौकीन हो तो इसको आपको स्टॉप करना चाहिए. ल्यूकवार्म वाटर इज इवन मोर बेटर. रूम टेम्परेचर का भी पानी आप ले सकते हो एंड उसके अलावा चिल्ड वाटर क्या करता है, खाने से मिला हुआ जो फैट है उसको भी सॉलिडिफाई कर देता है एंड सिस्टम को उसको ब्रेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ठंडा पानी पीने से हमारी हार्ट बीट भी कम हो जाती है एंड ज्वाइंट पेन इस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं. रीजन नंबर 2, ड्रिंकिंग टू मच वाटर. Nowadays, drinking too much water is kind of a trend जो कि हर कोई फॉलो कर रहा है. बहुत सारा पानी पीना है उन्हें बिना किसी रीजन के, जस्ट बिकॉज कहीं सुन लिया है, किसी ने उन्हें बोल दिया है, टीवी पे देख लिया है. इसकी वजह से वो अपने आप को पूरे टाइम हाइड्रेटेड रखते हैं. हाइड्रेटेड रखना इज गुड बट पूरे टाइम बिना किसी बात के पानी पीना इज नॉट गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी बॉडी में कई तरह के सॉल्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ज्यादा पानी पीने की वजह से वो डाइल्यूट हो जाते हैं एंड कई बार बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से वाटर
सेल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी हो सकती है। एंड ब्रेन सेल के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एक्सेसिव वाटर। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हो, देन आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। आपको पहचानना होगा कि आपकी बॉडी को पानी की कब जरूरत है। इनफैक्ट जो आप खाने से फल फ्रूट सब्जी से भी आपको वाटर मिलता रहता है ना, तो इसलिए उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। डिहाइड्रेशन के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल येलोइश यूरिन, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या एलर्जीज बहुत ज्यादा आपको फेस करनी पड़ रही है, या यू नो लैक ऑफ एनर्जी या रैपिड ब्रीदिंग, इस तरह के सिम्टम्स आप अगर फेस कर रहे हो तो यस आपको डिहाइड्रेशन है, देन आप उस केस में अपने वाटर इनटेक को बढ़ा सकते हो। बट ऐसे ही बिना किसी बात के पानी पीना आपको रोकना चाहिए। रीजन नंबर वन, ड्रिंकिंग वाटर वाइल स्टैंडिंग, खड़े खड़े पानी पीना, दौड़ते हुए पानी पीना, ये बहुत ही यू नो बहुत ही कॉमन है। अगर ऐसा है तो आपको रुकना चाहिए, आराम से आपको बैठकर पानी पीना चाहिए। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो, होता ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी मसल्स रेडी नहीं होते, रिलैक्स मोड में नहीं होते हैं, एंड वो इतना जल्दी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अच्छा है कि आप बैठ के पानी पियो, एंड खड़े होकर जब आप पानी पीते हो तो हमारी किडनी जो है प्रॉपर उसको प्यूरिफाई फिल्टर नहीं कर पाती है, एंड टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती है। इसलिए रिलैक्स होकर बैठकर ग्लास में आराम से पानी पीना ही सही तरीका है। एंड अब ये रीजंस आपको पता चल गया, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिक्स इट एंड कब और कितना पानी आपको पीना चाहिए। तो कब का तो आंसर ये है कि जब आपको प्यास लगे आपको तब पानी पीना चाहिए। जब आपको प्यास लगे आप तब पानी पियो, आराम से बैठ कर पानी पियो। एंड कितना पानी पीना चाहिए ये एक्चुअली फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी वेट पे, आपका डेली रूटीन क्या है, आप किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, उस हिसाब से आपका वाटर इनटेक कम ज्यादा हो जाता है। प्लस आप रॉ फूड ले रहे हो तो यस उस टाइम पे वहां से भी आपको वाटर मिलता है, तो ऐसे बताना मुश्किल होगा। बट 2.5 to 3 liters वाटर इनफ है, सेफ है, उतना आप कंसीडर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप वो जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो चेक कर सकते हो। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं जो मैंने अभी बताया थोड़ी पहले, तो आप अपने वाटर इनटेक को बढ़ा सकते हो। एंड वाटर तो किसी भी आप पॉट में पी सकते हो, किसी भी ग्लास में, किसी भी तरह के बर्तन में पी सकते हो, बट जो घड़ा आता है वो उसमें पानी पीना, वो उसे नेचुरल कूलर भी बोलते हैं, उसमें पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक तरह से वो इम्प्योरिटीज को दूर करके पीएच को भी मेंटेन कर देता है। तो वो फ्रिज की जगह अगर आपको चिल्ड पानी पीना है तो उस बर्तन का आप यूज कर सकते हो, एंड साथ में कॉपर का बर्तन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, उसकी अलग यू नो प्रॉपर्टीज हैं अगर आप उस तरह का कॉपर में लिया हुआ पानी पीते हो। तो यस ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और अगर इस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हो तो उसको आप ठीक कर सकते हो, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। एंड आई होप एट लास्ट कि आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है। तो अगर यूजफुल लगी है तो गाइस मेक श्योर कि आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।